अक्षय कुमार दोस्तों बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने खुद स्वीकार किया है कि जब वो इंडस्ट्री में नए आए थे तो वो एक हॉट ब्लडेड मैन थे, यानी कि लड़कियों की तरफ उनका काफ़ी ज़्यादा आकर्षण था। ऐसे में दोस्तों अक्षय ने अपने फिल्मी करियर में कई एक्ट्रेस के साथ में रिश्ते भी जोड़े। उनमें से सबसे ज़्यादा फेमस हुआ रवीना टंडन के साथ में उनका रिश्ता। मोहरा फिल्म दौरान उन दोनों में प्यार हुआ। सन 1994 में मोहरा में गाना था टिप टिप बरसा पानी। इस गाने ने स्क्रीन पर आग लगा दी थी, साथ ही इन दोनों को भी प्यार में डाल दिया था। इस गाने के बाद ये दोनों काफ़ी ज़्यादा करीब आ गए थे और धीरे धीरे एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। साल 1996 में जब दोनों खिलाड़ियों का खिलाड़ी की शूटिंग कर रहे थे तब दोनों की शादी की अफवाह भी फैली थी। दोस्तों आपको बता दें कि रवीना टंडन अक्षय कुमार को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी, लेकिन अक्षय कुमार रवीना को एज ए गर्लफ्रेंड ही ट्रीट करते थे। रवीना चाहती थी कि अक्षय से उनकी शादी हो और साथ ही अक्षय के साथ ही उनका पूरा जीवन व्यतीत हो, लेकिन अक्षय कुमार उस समय बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए फिल्मों पर ज़्यादा ध्यान देते थे और रवीना को एज ए गर्लफ्रेंड ही मानते थे। लेकिन दोस्तों जब खिलाड़ियों का खिलाड़ी की शूटिंग चल रही थी तब कुछ ऐसा हुआ कि रवीना टंडन का दिल टूट गया। रवीना टंडन ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था दोस्तों कि उन्होंने अक्षय के साथ रिश्ता इसलिए तोड़ा क्योंकि उन्होंने खिलाड़ियों का खिलाड़ी में अक्षय कुमार और रेखा को रंगे हाथों पकड़ लिया था एक दूसरे से रोमांस करते हुए। जी हाँ दोस्तों, रेखा जो कि बॉलीवुड की लेजेंडरी एक्ट्रेस है वो भी अक्षय कुमार के प्यार में रह चुकी है और उन दोनों के बीच में कई संबंध भी रह चुके हैं। इस बात का खुलासा रवीना टंडन ने ही कई इंटरव्यूज़ में किया है। साथ ही साथ रवीना ने यह भी कहा है कि अगर मैंने उस दिन वो सब कुछ नहीं देखा होता तो मैं अक्षय के लिए पागल रहती और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती, लेकिन जब मैंने अक्षय और रेखा को उस हाल में देखा तब से मैंने अक्षय के लिए एक भी फीलिंग्स मन में नहीं रखी। मैं थोड़ी परेशान हुई लेकिन फिर मैंने अक्षय को छोड़ने का मन बना लिया। दोस्तों आपको बता दें अक्षय ने इसके बाद भी कई रिश्ते बनाए जिनमें से शिल्पा शेट्टी का नाम भी सामने आता है, प्रियंका चोपड़ा का भी नाम सामने आता है। तो दोस्तों हमारे सीधे साधे अक्षय अपने जवानी के टाइम इतने भी सीधे नहीं थे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, सब्सक्राइब करें देखो देखो ताकि और भी खबर आप तक पहुँचे सबसे पहले।